हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ पांडा स्टोर से रिलेटेड कुछ बातें कुछ गॉसिप करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का एपिसोड मतलब पांडा स्टोर का आज का एपिसोड ओवरऑल मतलब ठीक है, मतलब सब कुछ है उसमें। जहाँ मतलब एक तरफ हमें ये देखने को मिलेगा कि जो जब शिवा मतलब अनीता को वो डब्बा लेते हुए देख लेता है, मतलब छुपा के लेकर जाते हुए उसे रोकता है, फिर वो उसे मतलब फंटा दे देती है कि हाँ, इसमें मतलब मामी के लिए मठरी वगैरह यही सब टाइप की कुछ चीज़ें हैं, मतलब मठरी है, तो वो उसको ऑफर भी करती है। तो वो मतलब बात को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो वहाँ से चला जाता है। वो उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि वो मतलब मामी के कंगन और पैसे कहाँ से अरेंज करूँ, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं। तभी धरा और कौमी उधर से उसको जाते हुए देखेंगे, जो प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे होंगे कि मतलब अभी तक प्रॉपर्टी बेचा नहीं गया है और मतलब एक महीना लगेगा उसमें, मतलब एक महीने और लग सकते हैं। तो उसके दिमाग में आई थिंक ये आएगा कि मतलब एक मंथ है उसके पास, तो फिर वो उसी को देख के और पैसे ले ले। फिर वो जाएगा धरा के कमरे में और पेपर वहाँ से निकाल लेगा। दूसरी तरफ ऋषिता जाती रहेगी, तभी अनीता जो है वो अपनी एक और चाल चलेगी। अनीता जो है वो उसका जो ऋषिता ने पार्सल मंगवाया था उसके लिए 2000 रुपये चाहिए थे, तो वो मतलब अनीता वो पार्सल ले लेती है और मतलब ऋषिता को गिफ्ट करती है, मतलब कि मैं मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम उदास हो गई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको अपनी बातों में लपेटने की कोशिश करेगी। तो फिर पहले तो ऋषिता मना कर देगी, फिर बोलेगी कि मतलब उसे ऐसा लगेगा कि कितना ही मेरे बारे में सोच रही है, और उसे दी बोलेगी कि अनीता दी आपके लिए, मतलब उसको थैंक यू बोलेगी। फिर वो पार्सल ले लेगी उससे और उसके बाद वो चली जाएगी। दूसरी तरफ वो जब जाती रहेगी तो फिर तभी वो शिवा को कमरे से बाहर, मतलब वो ये नहीं देखेगी कि शिवा ने क्या चुराया है, मतलब क्या लिया है धरा के कमरे से, क्योंकि वो पेपर तब तक ले लिए रहता है। फिर वो जब जाता रहता है उसको छुपा के, तो फिर वो देख लेती है। फिर उसके दिमाग में आता है कि ऐसा क्या ये छुपा के लेके जा रहा है, वो भी धरा दी मतलब धरा भाभी के कमरे से। उसके बाद वो वहां से चला जाता है, वो उसे नहीं पता चलता कि ऋषिता ने उसे देख लिया है। फिर वो वहीं पे धरा आती रहेगी, तो फिर वो मतलब उसे पैसे देगी 2000 रुपये और बोलेगी कि तुझे जो मंगवाना था वो तू मंगवा ले। पर वो थोड़ा सा उसे गुस्सा आता है, फिर वो मना कर देती है और कहती है कि कोई है जो मुझे बहुत मतलब मेरी खुशियों का ख्याल रखता है और मतलब मेरी दी के जैसा है, ऐसा ऐसा करके। तो उसको समझ में आ जाता है कि ये अनीता ही है, और वो बोलती है कि उसने मेरे लिए ये पार्सल ले लिया है, तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा रूडली बिहेव करती है। बाद में फिर वो उसे ये भी बताती है, मतलब जाते जाते रुक जाती है और ये भी बताती है कि शिवा उसके कमरे से कुछ ना कुछ लेके जा रहा था चुरा के। फिर उसे बोलती है कि अगर ये काम हमें मतलब मैं या देव में से कोई किया होता तो अभी तक तो बखेड़ा खड़ा हो गया रहता। तो धरा भी एक बार सोचती है, फिर ज़्यादा नहीं सोचती है। उसके बाद दूसरी तरफ शिवा जो है वो पेपर चुरा के लेकर गया रहता है अपने रूम में छुपाने के लिए, तो देखता है रावी जो है वो खिड़की के पास बैठी रहती है। तो वो उसे बोलता है कि क्या बोलते हैं, तू बैठी क्यों है, तू लेट जा, मतलब वो उसको पेपर छुपाना है, तो किसी न किसी तरीके से उसको मतलब उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। सोचता है पहले कि वो सो जाए, पर वो सोती नहीं है, उसको गोद में उठा के ला के बिस्तर पर डाल देता है और सोने के लिए प्रेशर डालता है, बट वो सोती नहीं है। फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तू ठीक हो गई है तो तू चल के दिखा दरवाजे तक। तो जब दरवाजे की तरफ जाती है रावी, तो वो अपना पेपर छुपा देगा। तो जब तक वो दरवाजे की तरफ जाती है, तभी धरा आ जाएगी और फिर धरा उसे बोलेगी, मैं तो तेरे लिए काढ़ा लेके आई थी, पर तू तो रैंप ऑफ कर रही है, तू तो एकदम परफेक्ट है। फिर मतलब वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाती हूँ अगर तुम लोगों का ये प्राइवेट रैंप वॉक चल रहा है। तो वो बोलती है अरे नहीं नहीं धरा दी, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं तो इसे बस दिखा रही थी कि मतलब मैं ठीक हूँ। तो फिर उसके बाद फिर मतलब इन लोग का यहाँ पे ये वाला सीन खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ जो है सुमन है, वो बहुत कोशिश कर रही है कि उसे पता चले कि आखिर ये तेल वाला कांड किया किसने है। उसका पूरा डाउट प्रफुल्ला के ऊपर है। तो फिर वो उन लोग सब लोग बातें करते रहते हैं। फिर बात होती है पगफेरे की, कि रावी का पगफेरा करना है, तो उसकी तैयारी के लिए वो गौमी को बोले रहती है। ऋषिता बोलती है कि मतलब सिर्फ रावी की पगफेरा होगा, मेरा नहीं होगा। तो फिर वो बोलती है कि तू तेरे घर वाले तेरा बाप आके तुझे ले जाएगा तो हो जाएगा, पर तेरा वो तू तो घर से भाग के आई है तो तेरा हो नहीं सकता। फिर उसके बाद फिर वो बोलेगी कि ठीक है, तो तेरा मामी ही कर देगी, तू भी रावी के साथ चले जाना। वो मना करती है, लेकिन फिर भी सुमन तो सुमन है, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, फिर वो नहीं मानने वाली। तो फिर उसके बाद फाइनली फाइनल होता है कि दोनों का पगफेरा मामी ही करेगी। फिर वो सोचती है कि मामी को बोलती है, मामी को बुलाओ। फिर मनी मन सोचती है कि तेल वाला कांड का भी खुलासा मैं कर ही दूंगी। वो ढूंढती रहती है मतलब प्रफुल्ला को। दूसरी तरफ
जो अनीता होती है मतलब वो आती है, देखती है कि उसकी मामी जो है वो उसी डब्बे में जिस डब्बे में तेल था वो डब्बा लेके आई रहती है कि उसमें वो सब्जी उब्जी कुछ चुरा के लेके जाए। तो उसे वो उसे रोकती है, तब तक जब तक रोकती है तभी वहाँ पे धरा आ जाती है। धरा उसे कहती भी है, उस बात के लिए गुस्सा होती है कि उसने रिश्ता का पार्सल क्यों लिया, वो रिश्ता और उसके बीच क्यों आ रही है। तो वो मतलब फिर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में धरा को फंसा लेगी और उसके बाद फिर मतलब धरा को भी लगेगा कि हाँ हो सकता है, फिर वो उसका पैसा देगी। पर प्रफुल्ला को मतलब प्रफुल्ला ये सुन के बहुत वो करेगी कि मेरे 2000 रुपए तूने चुरा के और इन लोगों के लिए दे दिया। फिर वो ये बात धरा तक भी मतलब धरा को भी पता चलेगी जब वो बोलेगी अनीता को डांटेगी तो, और उससे 2000 रुपए ले लेगी और वो वहां से चली जाएगी। पर वो जो डब्बा तेल वाला था उसको वहीं छोड़ देगी, अनीता भी चली जाएगी। बाद में फिर वो धरा जो है वो साफ करती वहीं पे, मतलब मामी थोड़ा सा फिसल जाएगी, उसे लगेगा कि हर जगह तेल तेल क्यों है। फिर वो साफ करने के लिए उठेगी, कपड़ा उठाएगी, साफ करेगी, तो उसे पता चलेगा कि उसी डब्बे में से नीचे और ज्यादा तेल रहता है और उसी से तेल गिर रहा है। फिर वो सोचती है कि इस डब्बे में तेल कहाँ से आया। जब तक वो सोचती रहती है तभी वहां पे शिवा आ जाएगा। तो शिवा जो है वो उसको बोलेगा धरा को कि धरा दी ये वाला डब्बा तो मैंने अनीता के हाथ में देखा था सुबह। फिर उसे आएगा गुस्सा कि मतलब मामी और अनीता का नहीं मिलके ये सारा कांड किया है, और मतलब रावी गिर गई ऑब्वियसली और उसे चोट लगी है और माँ गिरते गिरते बची है, तो फिर थोड़ा तो मतलब उसे लगेगा ही। फिर वो डब्बा उसके हाथ से लेके और जाएगा मतलब अनीता के और सुमन प्रफुल्ला के पास और उसे पूछेगा कि मतलब ये इस डब्बे में तेल कैसे आया, इसमें तो मठरी थी तो इसमें तेल कैसे आया। प्रफुल्ला जो है वो घबरा जाएगी, वो ये सोचेगी कि अनीता ने ये सब किया है, वो कैसे बोले कि मतलब अनीता ने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। ऑब्वियसली उन दोनों के अलावा कोई कर नहीं सकता। अनीता जो है वो चुपचाप रहती है, थोड़ा डर जाती है। आई थिंक ऐसा होगा, मतलब इतने पे ही ये एपिसोड खत्म हो जाएगा जब सब लोग वहाँ आ जाएंगे, जब उसे शिवा चिल्लाता रहेगा। तो आज के एपिसोड पे यहीं पे ब्रेक लग जाएगा। अब आगे के एपिसोड की बातें अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए मुझे, फिर उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में बातें करेंगे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।